हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MICS टेक एजुकेशन। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूजफुल टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसमें CCC के आने वाले पेपर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में किन किन शॉर्टकट्स को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और पिछले जो पेपर हैं उससे कलेक्ट करके मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप लोग के CCC के एग्जाम्स में आप लोग को काफ़ी हेल्प मिले। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले मैंने विंडो ओपन कर ली है। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है, यदि आप लोगों ने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको करके भी दिखाती रहूंगी कि किसका क्या यूज है। इसके लिए मैंने एक न्यू विंडो भी क्रिएट कर ली है यहाँ पे, और यहाँ पे एक टेक्स्ट को भी जनरेट कर लिया है, ताकि जो भी मैं शॉर्टकट करूँ इसके ऊपर वर्कआउट हो जाए। तो सबसे पहले हमारी जो शॉर्टकट है वो देख लेते हैं, एमएस वर्ड शॉर्टकट। सबसे पहले जो एमएस वर्ड है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, सबसे ज्यादा पूछने वाला प्रश्न है, .docx। दोस्तों, पहले जो इसका एक्सटेंशन नेम था वो .doc हुआ करता था, बट अब .docx हो गया ये, तो इसको मुझे कुछ बताना नहीं पड़ेगा। सिलेक्शन वर्ड राइट टू लेफ्ट, यदि आपको राइट से लेफ्ट में वर्ड को सिलेक्ट करना है तो हम शिफ्ट के साथ में, जो हमारे पास में कीज होती है अप एंड डाउन में, उसमें हम लेफ्ट वाले साइड की की दबाएंगे। तो हम इसका एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए टेक्स्ट है, और मुझे यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो मैंने आपको क्या बताया, शिफ्ट दबाएंगे और लेफ्ट वाले साइड की दबाएंगे। ये देखिए लेफ्ट साइड में आपका सिलेक्शन बढ़ता जा रहा है। और यदि आपको राइट साइड में करना है तो आप शिफ्ट की प्रेस करिए और राइट लेफ्ट साइड की आपकी प्रेस करिए, और अप की साइड करना है तो शिफ्ट के साथ आप ये पूरी लाइन सेलेक्ट करेगा, और डाउन में करना है तो शिफ्ट के साथ में आप डाउन की प्रेस करिएगा। ठीक, तो मैंने सारी शॉर्टकट नहीं, इसमें चारों नहीं लिखी हैं, क्योंकि बस दो लिख के दिए मैंने, बॉटम टू अप, नीचे से ऊपर की ओर, और राइट टू लेफ्ट, उल्टे से, मतलब सीधे हाथ से उल्टे की ओर चलने के लिए। बाकी आप मतलब यहाँ पे लेफ्ट टू राइट भी कर लेंगे एंड अप टू बॉटम भी उसी तरह हो जाएगी। सिलेक्ट लाइन टू स्टार्टिंग, अगर आपको स्टार्टिंग तक, मैंने ब्रैकेट में स्टार्टिंग लिखा है, सिलेक्ट लाइन सिलेक्ट करनी है स्टार्टिंग तक, शिफ्ट के साथ हम होम की प्रेस करेंगे। जैसे कि मुझे ये वाली यहां तक लाइन प्रेस करनी है, तो मुझे शिफ्ट की दबानी है और कीबोर्ड से होम की प्रेस करनी है। तो आप देखिए ये लास्ट तक सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद में देख लेते हैं क्या है, एंड तक अगर करनी है तो शिफ्ट के साथ एंड। शो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, इस पैराग्राफ के अंदर आपको थोड़ा सा फॉन्ट लगाना है, तो आप कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो गया है। ये इसमें आपको यदि फॉन्ट का स्टाइल चुनना है तो वो भी आप चुन सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल, साइज, फॉन्ट और फॉन्ट स्टाइल, साइज और कलर, अंडरलाइन, जो भी आपको यहाँ पे देना हो आप सारे स्टाइल देख सकते हैं, और यहाँ पे इसका प्रीव्यू देख के इसको जस्ट ओके भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों जो शॉर्टकट है बहुत ज्यादा पूछी जाती है, लास्ट के 3 एग्जाम्स में रेगुलर आई है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। सिंगल स्पेस लाइन, ये थोड़ा सा मैं आपको बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोग को दिखने में आसानी हो। देखिए Ctrl 1, Ctrl 2 एंड Ctrl 5। तो नेक्स्ट है सिंगल स्पेस इन लाइन, डबल स्पेस इन लाइन एंड 1.50 यानी 1.5 इंच स्पेस टू लाइन। तो इसके लिए हम 1, 2 एंड 5 देखिए कैसे यूज करेंगे हम। जैसे आपको इस लाइन के बीच में स्पेस देना है तो आपको कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस करेंगे, तो देखिए इसके बीच में इतना स्पेस आ गया है 1 इंच का, और अगर कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करेंगे तो इसमें 1.5 इंच का लगभग स्पेस आ गया है, और कंट्रोल के साथ 5 प्रेस करने पर इसके बीच में 1.50 का स्पेस आ गया है, सॉरी डबल कंट्रोल 2 करने के बाद डबल स्पेस लाइन आएगी दोस्तों है, और कंट्रोल 5 डेट। क्विकली चेंज द बुलेट, इसका क्या यूज है, जैसे हमने कोई वर्कआउट किया यहाँ पे मुझे बुलेट लगानी है, और जैसे हम बुलेट हमेशा ऊपर से लेते हैं और सिंपली मुझे सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है तो मेरे पास समय नहीं है, तो सिंपली आपको कंट्रोल शिफ्ट दबाना है और एल प्रेस करना है, तो आप देखेंगे कि आपकी बुलेट आ गई है। देखिए एंटर प्रेस करते रहेंगे आपकी बुलेट्स आती रहेगी, और आप चाहें तो कोई भी काम कर सकते हैं। और यदि आपको कहीं पे करंट डेट लगानी है जहां पे भी आप वर्क कर रहे हैं, तो ऑल्ट शिफ्ट और डी प्रेस करेंगे, देखते हैं कैसे। जैसे मुझे यहाँ पे डेट लिखनी है करंट डेट, तो आपको ऑल्ट दबाना है, शिफ्ट दबाना है और डी प्रेस करना है, तो देखिए इसमें डेट आ गई है। और यदि टाइम देना है आपको, जैसे एंटर मुझे यहाँ पे टाइम देना है, तो ऑल्ट शिफ्ट और टी टाइप करेंगे तो ये टाइम आ जाएगा, ये देख पा रहे हैं दोस्तों।
अब आता है डबल अंडरलाइन, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट डी। जैसे आपको इस लाइन के ऊपर अंडरलाइन देनी है वो भी डबल, तो आपको कंट्रोल शिफ्ट और डी प्रेस करेंगे आप तो देखेंगे आप डबल अंडरलाइन इसके नीचे आ चुकी है। दोस्तों उम्मीद कर रही हूं कि आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आने वाले 3 एग्जाम्स तक ये ट्रिपल सी के क्वेश्चन मेरे हिसाब से 90% जरूर आएंगे। गो टू ऑप्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है एमएस वर्ड में, जिसकी शॉर्टकट की होती है F5। देखते हैं कैसे, अगर आप F5 की प्रेस करेंगे तो आप गो टू ऑप्शन में पहुंच जाएंगे, ये देखिए। और कभी कभी फाइंड रिप्लेस और गो टू, फाइंड के लिए अलग होती है हमारी कंट्रोल एफ, रिप्लेस कंट्रोल एच, और गो टू की अलग होती है हमारी F5। तो यहां पर आ जाते हैं हम, नेक्स्ट शॉर्टकट देख लेते हैं। उसके बाद आता है स्प्लिट द डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करना है तो ऑल्ट कंट्रोल के साथ में S। तो जैसे मुझे अपने डॉक्यूमेंट को यहां से स्प्लिट करना है और ऑल्ट दबाऊंगी, कंट्रोल दबाऊंगी और एस की दबाऊंगी, तो आप देखिए ये स्प्लिट हो गया, यानी कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है ऑल्ट कंट्रोल के साथ में एस दबाने से। नेक्स्ट शॉर्टकट देख लेते हैं, चेंज केस शिफ्ट के साथ में F3। ये F3 मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। देख लेते हैं कैसे यूज किया जाता है इसको दोस्तों। केस मतलब जैसे हम टॉगल केस यूज करते हैं, अपर केस यूज कर सकते हैं। जैसे ये लाइन है और मुझे इसमें केस लगाना है तो मैं शिफ्ट दबाऊंगी और F3 की प्रेस करूंगी, तो आप देखिए ये चेंज होते रहेंगे रेगुलर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसमें कोई भी केस लगा के यूज कर सकते हैं। अब आता है नॉर्मल स्टाइल, आपको किसी भी टेक्स्ट को नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना है तो आप कंट्रोल दबाइए, शिफ्ट दबाइए और एन प्रेस कर दीजिए, तो वो नॉर्मल फॉर्म में अपने आप आ जाएगा। अब उसके बाद में जो सबसे ज्यादा जो पूछने वाला क्वेश्चन, जो अब जो मैं बताने जा रही हूँ, थोड़ा साइन ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट का साइन दोस्तों हम सब जानते हैं, इस तरीके से होता है, ये जो सी बना हुआ है इस तरीके से, ये दिख रहा होगा आपको, ये कॉपीराइट का साइन है, ठीक है। तो इसको कैसे यूज किया जाता है देखते हैं हम। जैसे ये है, आपको यहां पे कॉपीराइट का साइन बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, ब्रैकेट बनाना है स्मॉल, सी दबाना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है, तो आप देखेंगे आपके सामने ये कॉपीराइट का साइन बन गया है, ये देखिए, ठीक। तो मैंने इसकी भी शॉर्टकट लिख दी है। ये सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है दोस्तों कि कॉपीराइट का साइन कैसे बनता है। सेम इसी तरह रजिस्टर्ड का साइन भी, हम ब्रैकेट आर और आर लगाएंगे तो इस तरह रजिस्टर्ड का साइन बन जाएगा। अब आता है हमारी स्माइलीज, ये तो एमएस वर्ड में स्माइलीज भी हम बना सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, जैसे मुझे यहाँ पे स्माइली बनानी है तो आपको कॉलन बनाना है, ये जो कॉलन लगा होता है, और आपको ब्रैकेट क्लोज वाला बनाएंगे आप, तो देखिए जैसे ही मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया ये देखिए स्माइली बन गई है आपकी, ये जूम करके दिखा रही हूं मैं। और यदि आप ओपन बटन दबाते हैं तो ये थोड़ा सा सैड वाला बन जाएगा हमारा, ये देखिए ये सैड वाला बन गया है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी तरीके से विंडो को मिनिमाइज करने के लिए विंडो के साथ हम डी प्रेस करेंगे, विंडो की जो तुम्हारी होती है उसके साथ डी। अब आते हैं हम एक्सेल की शॉर्टकट पे, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ। एक्सेल का एक्सटेंशन नेम .xlsx होता है। सबसे पहले जो मेरी वीडियो है वो है, सबसे पहली जो सॉरी शॉर्टकट है हमारी वो है कंट्रोल डी, डुप्लीकेट टू फिल डाउन। और मेन्यू बार हाइड करके मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, कंट्रोल के साथ में यदि आप F1 प्री प्रेस करेंगे तो देखिए मेन्यू बार हाइड हो गई है। ये वापस लाने के लिए हम ये जो एरो की है यहाँ पे जाने के बाद शो टैप्स एंड कमांड्स पे क्लिक कर देंगे तो हमारी मेन्यू बार आ जाएगी। तो नेक्स्ट शॉर्टकट देखते हैं हमारी दोस्तों क्या है, करंट डेट एंड करंट टाइम। तो करंट डेट डालने के लिए आपको मैंने बताया था कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन, कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन, ये देखिए हमारा। तो टाइम लिखने के लिए दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट के साथ कॉलन दबानेंगे और करंट डेट के लिए हम कंट्रोल के साथ खाली कॉलन दबाएंगे। तो देख लेते हैं एक बार करके, यहाँ पे मैंने एक्सेल की विंडो ली, टाइम लिखना है तो कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन दबाएंगे, ये देखिए टाइम आ गया है, और डेट के लिए कंट्रोल के साथ सिर्फ कॉलन दबाएंगे तो हमारी करंट डेट आ जाएगी। तो ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, शीट इंक्रीज। शीट इंक्रीज का मतलब क्या है, बढ़ती हुई शीट में जाना। जैसे ये शीट है आपकी और आपको यहाँ शीट 1 में है आप, तो कंट्रोल शिफ्ट और 3 की प्रेस करेंगे आप, शीट 2 में आ गए, दोबारा कंट्रोल शिफ्ट और 3 दबाएंगे तो आप नेक्स्ट 3 पे आ गए, ये देखिए। और बैक जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ में आप 9 की प्रेस करेंगे, देखिए बैक पे आ रहे हैं, ये देखिए
ये 1 2 3 डिजिट आपके न्यूमरिक कीबोर्ड की होनी चाहिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एक्सेल के अंदर जो शॉर्टकट 1 2 3 फॉर्म में ली जाती है वो क्या कीपैड से काम करती है, तो आपको नंबर कीपैड पे ही क्लिक करना है क्योंकि ये न्यूमरिक कीपैड जो हमारे साइड में होता है उसी पे वर्कआउट करेगी। उसके बाद आता है सिलेक्शन टेक्स्ट इन एक्सेल अप, यदि आपको एक्सेल में कोई, तो आपको कंट्रोल दबाना है, शिफ्ट दबाना है और 8 दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट और 8 दबाएंगे आप, जो भी आपका सिलेक्शन है ये ऊपर की तरफ जाता रहेगा 8 दबाने से। और यदि आपको इसी प्रकार से डाउन में लेना है तो 2, और इसी तरह यदि आपको कोई रुपीस का सिंबल बनाना है, इसमें यहां पे आपने लिखा 500 रुपए, 500 लिखा और रुपीस का सिंबल बनाना है तो कंट्रोल दबाइए, शिफ्ट दबाइए और डॉलर का साइन दबा दीजिए। तो देखिए ये डॉलर का साइन भी लग गया है इसके आगे और साथ में पॉइंट के बाद में 00 भी आ रहा है। परसेंटेज का सिंपल लगाना है, इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे और परसेंटेज लगाएंगे, जैसे ये 200 लिखा है और यहाँ परसेंटेज का साइन लगाना है। अगर आपके पास में बहुत सारी डिजिट है तो उसमें भी लग जाएगा, जैसे ये आपने पूरा ड्रैग कर लिया सब में लगाना है आपको, सबको सिलेक्ट करिए, कंट्रोल दबाइए, शिफ्ट दबाइए और परसेंटेज दबा दीजिए, देखिए सब में आपको परसेंटेज का साइन हाईलाइट हो जाएगा। के बाद देख लेते हैं हम, तो इसके लिए इतना ही था क्योंकि एक्सेल की बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते शॉर्टकट में, इसकी वैसे बहुत सारी शॉर्टकट है जो ऑफिशियल यूज होती है बट ट्रिपल सी में इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते, तो मैंने इसमें ज्यादा नहीं बनाया है। इसी तरह पावर पॉइंट में कुछ है बेसिक है, पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए Alt+N, इंसर्ट शेप लेनी है तो Alt+S और H दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा, सिलेक्ट करने के लिए Alt के साथ में G और H, नेक्स्ट स्लाइड में जाना है आपको तो पेज डाउन, पिछली स्लाइड में पेज अप, होम टैब में जाने के लिए Alt+H, इंसर्ट में Alt+N, और यदि आपको स्लाइड को बिगिनिंग यानी शुरू से यदि आपको उसका स्लाइड शो देखना हो तो F5 की, हाइपरलिंक Ctrl+K, एक्सटेंशन नेम जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है .pptx और सेंट्रल अलाइनमेंट Ctrl+E। हो सकता है दोस्तों आपने जो इसके एक्सटेंशन नेम है .ppt पढ़ा हो, इसका XLS पढ़ा हो, एक्सेल का जो मैंने आपको बताया ये, और वर्ड का DOC पढ़ा हो, लेकिन ये पुराना वर्जन था, 2007 से जितने भी लेटेस्ट वर्जन आए हैं सब में आपको X लगाना पड़ेगा MS ऑफिस में, इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चों के दिमाग में। नेक्स्ट है हमारे कुछ मैंने इंटरनेट क्वेश्चंस आपके लिए स्पेशल जो है वो डाले हैं जिन्हें मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। लॉन्च कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर के माउस को किसने लॉन्च किया है, डॉक्टर डगलस एजलबर्ट, तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। फ्लॉपी डिस्क को किसने करा लॉन्च किया, एलान शुगॉट ने किया 1971, इंटरनेट के जन्मदाता जेसी लिकलाइडर 1962, और ईमेल के फादर ऑफ ईमेल है हमारे टॉल लिंसन, और WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के पिताजी टिम बर्नर्स ली को कहा जाता है। बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो TCS कंपनी कहलाती है, और फेसबुक के जो फादर हैं यानी कि फादर ऑफ फेसबुक ये हमारे जो है ये फेस मैश, इसको मैं थोड़ा सा डाउन कर देती हूँ ये आपको दिखने में आसानी हो, ये है हमारे फेस मैश जी, मिस्टर फेस मैश, जो जुलाई 2003 में इन्होंने इसका क्या किया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी, यदि कहीं पे कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो दोस्तों तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं और बेहतर तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स,